प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के 3 दिवसीय दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। अपने यूरोप दौरे में पीएम मोदी फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क गए। तीनों देशों की मीडिया ने भी मोदी के दौरे को अलग अलग तरह से कवर किया। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जर्मन मीडिया की रही, जहां मोदी के पत्रकारों से सवाल ना लेने की चर्चा खूब हुई। तो वहीं फ्रांस के मीडिया ने यूक्रेन के मुद्दे पर खुलकर रूस की निंदा ना करने के भारत के फैसले पर जोर दिया। फ्रांस 24 नाम की वेबसाइट ने लिखा है कि मोदी मैक्रों ने भारत फ्रांस संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को किनारे किया। फ्रांस 24 ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिन्होंने इमैनुअल मैक्रों के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे आमने सामने की मुलाकात की है। वेबसाइट ने खबर की शुरुआत में ही कहा है कि फ्रांस के विपरीत अब भी भारत यूक्रेन युद्ध पर रूस की सार्वजनिक रूप से निंदा करने से इनकार करता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति है। फ्रांस 24 ने मोदी के उस ट्वीट का भी जिक्र किया है जो उन्होंने मैक्रों के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद किया था। इस ट्वीट में मोदी ने मैक्रों को अपना दोस्त बताया था। हालांकि वेबसाइट ने मोदी के जर्मनी दौरे का भी जिक्र किया है, जहां उन्होंने चांसलर ओलाफ शॉल्स से मुलाकात की, लेकिन द्विपक्षीय समझौतों के बाद जर्मनी के चांसलर ने नियमों के अनुरूप प्रेस को सवाल करने का मौका नहीं दिया। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि साल 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी ने भारत में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और जर्मनी में भी पत्रकारों के सवाल न लेने का फैसला भारतीय प्रतिनिधिमंडल के आग्रह पर ही लिया गया। अखबार ने जर्मन अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है। दावे की पुष्टि के लिए वेबसाइट ने जर्मन ब्रॉडकास्टर डॉयचे वेले से चीफ इंटरनेशनल एडिटर के उस ट्वीट का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत और जर्मनी के नेता प्रेस को सिर्फ 14 समझौतों के बारे में बताएंगे और भारत के आग्रह पर पत्रकारों को सवाल नहीं करने दिया जाएगा। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के हवाले से वेबसाइट ने यह भी लिखा है कि रूस हथियारों की आपूर्ति के लिए भारत का सबसे बड़ा साझेदार है और भारत के पास मौजूदा हथियार प्रणाली में से 80% रूस से ही आयातित हैं। एक दूसरे लेख में फ्रांस 24 वेबसाइट ने यूक्रेन को लेकर भारत और फ्रांस के बयान का जिक्र किया है। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान में यूक्रेन में मानवीय संकट पर चिंता जाहिर करते हुए तत्काल युद्ध को रोकने की मांग की है। वेबसाइट ने यह भी लिखा है कि साल 2017 से लेकर अब तक मोदी ने 3 बार फ्रांस का दौरा किया है, वहीं मैक्रों साल 2018 में भारत आए थे। भारत ने फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान और 6 पनडुब्बियां खरीदी हैं। यूरोप के 3 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी सबसे पहले जर्मनी पहुंचे थे। जर्मन ब्रॉडकास्टर डॉयचे वेले ने बताया है कि जर्मनी ने भारत के साथ सहयोग में आने वाले वर्षों में 10 अरब यूरो देने का वादा किया है। डॉयचे वेले ने लिखा है कि जर्मन चांसलर ने यूक्रेन संकट पर टिप्पणी करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध पर विराम लगाने की मांग की। DW ने भारत की सैन्य आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भरता का जिक्र भी किया है। वहीं मार्च के बाद भारत के रूस से तेल आयात बढ़ाने को भी लेख में शामिल किया गया है। पीएम मोदी के दौरे को डेनमार्क के मीडिया ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम बताया है। इस दौरान डेनमार्क की पीएम मैट फ्रेडरिक्सन के साथ मोदी ने यूक्रेन संकट पर भी चर्चा की। डेनमार्क ने पीएम मोदी से ये भी अपील की कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल रूस पर युद्ध को रोकने के लिए दबाव बनाने के लिए करे। ये मोदी का पहला डेनमार्क दौरा था।